मान लेते हैं कि 100 यूनिट जो है वो सीपी है, तो 100 यूनिट में 4% लेस और 10% का प्रॉफिट, तो 110 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 96। ये तो CP2 हो जाएगा, ये CP2 हो जाएगा, ये SP1 हो जाएगा। अब 96 में 18:3/4%, तो ये 18:3/4% जो है इसका वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में 3/16, और 3/16 इंटू 96, अब प्लस 96 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 114 का, ये हमारा SP2 हो जाएगा। और यहाँ से और यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई 6, और 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी 6/4, तो 100 यूनिट की हो जाएगी 6/4 × 100 इक्वल्स टू जो आंसर आएगा 150।